घर के फटर के है मारे को का दूध दिन चार दूध टाइम छ दूध के आज दूध बंद हो रजुआ इस साला आई रजुआ पानी ले पानी ले पानी ले का पापा तू पियल ना छोड़वा पूरा गांव के लोग कहला ई पियकल के लड़का पियकल के लड़का हमके तनिको अच्छा ना लगेला पापा हमरे क्लास के लड़का भी कहे ना ई पियकल के लड़का हमार बहुत बदनामी होले पापा हमके अच्छा ना लगेला कौन कहला बोला बोला ओके कौन कहला कैसे कैसे पूछबा एक लोग ना पूरा गांव कहला पापा बोला बोला सबके सबके बोला सबके बोला बोला सबके बोला पूछ हां बोला आपन आपन पहला आपन पहला हम आपन लो लो पर पानी ला जो पानी लेके आते पापा तो मुन कहना माना पापा तू हमार एक कहना मान जा पापा हम दारू पिया छोड़ दा पापा दारू पिया छोड़ दा अच्छा ठीक ठीक हम दारू छोड़ दे जो, जो पानी ले आ जा पापा तू हमार कसम खा के आज के बाद दारू ना पीवा पापा जा बेटा पानी लिया अब लिखा थी पापा प्रणाम प्रणाम पढ़ाई जी प्रणाम प्रणाम अजय भैया और सुनावा का हाल बा सब ठीक है और कहाँ सवेरे सवेरे जाते हैं अरे आप तो जानत हैं ये बार हम प्रधानी में खड़ा हो गए हैं हाँ हाँ जानत हैं हाँ तो ये सोचनी है कि गांव घर घूम लें हाँ हाँ जाएं जाएं घूमर फिरल बहुत जरूरी है सबसे हाँ। मिलजुल बनौले रहे तो सब तो ठीक बा चला चल जा दारू चाचा के घर थोड़ा मिल लेल जा अरे का प्रधान जी हमके ये सब पटड़ा मत फसाएं ऐसा ना आप प्रत्याशी आप खुद जा करके मिले ऐसा ना देखिए आपके साथ ही हम जाए तो दूसर का प्रत्याशी देखिए कहीं चीज दिखाओ जो है उनके साथ घूमत हम हाँ देखिए ये सब गांव का माहौल ठीक ना है आप जा करके मिल नहीं हाँ हम कहीं जाते हैं खेत पे सुना सुना भैया ये कैसन बात करत हम मध्य तू दो कदम हमारे साथ ना चल सकेला अब देखिए हमके मजबूर मत करी अच्छा ठीक है चले अरे चले 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 मिल लिया जा अरे प्रणाम प्रणाम दारू चाचा प्रणाम अरे चाचा प्रणाम प्रणाम हो गए हाँ हाँ ये कटिया हो गए ना अरे अब बटोर दे था बड़ा पहले कुल हो गए ना हाँ अब देखत ना चनवा झूला आता वाला तुम कहीं कटवा दें ये प्रधान जी तो नहीं आप सही ना मिले अच्छा हाँ चाचा प्रणाम हो सेहत पानी सब ठीक बात गांव में घूमत रह लिया जा मिलने के दारू चाचा से मिल नहीं जा जरूर जरूर बहुत बढ़िया ए बाबू अरे तनी ले आओ कुर्सी ले आओ बेटा ले आओ आइए बैठी 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 तो बताओ लिया और सब ठीक है चाचा ये प्रधान जी जो ना गांव घूमत आवत रहल हाँ तो कहत हम तनी चला दारू से जाके चलल जा आए तनी भेंट करें तो ये लिया के अली हाँ बढ़िया कही अरे आप से जानत हैं चाचा ए बार हमू प्रधानी में खड़ा हो गए हैं अरे गांव के कुछ लोग का सुझाव रहल कि भैया तू हो ए बार प्रधानी में खड़ा हो जा तो हमू प्रधानी में खड़ा हो गए हैं तो गांव घर हमन के घूमत रह लिया जा अच्छा, तो सोच लिया कि दारू चाचा से मिल लिया जा तो यही से आपसे मिले आ गए लिया जा और गाँव का दिन दशा तो आप जानत हैं पुरनकी प्रधानिया में कि गाँव का कुछ छो ना बदल ऐसा का ऐसा है तो ए बार
आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाई और हमके अपन ठीक है प्रधान जी, चाचा एकदम चाचा का पूरा सपोर्ट है। ये बात सही कहवे कि पिछला प्रधान जो ना एक पैसा का काम ना कहीं पुरनका खड़ंजा जो ना पुरनके ईटा पर जो ना उभार के आ फिर जो ना खड़ंजा लगा के आ फिर दोबारा जो ना कि पिछवा के नया पैसा भजा ले। देखिए चाचा, ये तो हम आपसे वादा करत हैं, अगर ए बार हम जीत जाए तो आपका हर काम पूरा करब। रहे दें प्रधान जी, ये वादा इरादा रहे दें, ये सब अपन अपन गुना गणित है, एक रह दें, एक कोनो बात ना रहल बात हमरे वोट का तो हमरे लगे 30 वोट बा। अब भगवान हमके सब कुछ देले बाड़ा, कोनो चीज का कमी नहीं खे, सब जानते बा, सही हम लगे कोनो चीज का कमी नहीं खे, लेकिन अब तो जानत बड़ा कि एक चीज का हम शौकीन है, तो ऐसा करिया कि व्यवस्था वही का एक पेटी का बना दे। तो चाचा वो लोट तो के, अरे चाचा इनमें कौन बड़ी बात है, रुकी एक सेकेंड अभी मंगा देते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ रामू, अरे भैया एक पेटी लेके। हेलो हाँ रामू, अरे एक पेटी लेके भैया राम दारू चाचा के घर आ जाता। हाँ रखत है। ठीक 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 हम बुझ गए बुझ गए ठीक बा। ऐसा बा कि बिहाने भेंट हुई ना, बिहाने बतिया जाए। अरे चाचा हम प्रधानी लड़त है, तनि हमारियों पर ध्यान दिया जाए। अरे काहे ना काहे, तनि साहब विशेष अथू रहे एक खाते हम अइले हैं आप यहाँ। ठीक बात, जब सेवा होई तनि एक बार सेवा का मौका हम को दिया जा। अरे और जब सेवा होगी तो हम पूरा करब आपके। अरे सेवा का बा, आप तो हमारे शौक जनते बानी, तो हम जनते हैं, बस वे व्यवस्था हो जाए एक पेटी का। ठीक है, आपके साझी का पहुंच जाए, कहीं सामरियों पर ध्यान दिया जाए। ठीक है ठीक ठीक। दारू चाचा पढ़ाऊं? अरे नमस्ते नमस्ते, बैठे। और सब चाचा बढ़िया बा, आप जानते बाने कि प्रधानी के चुनाव आवे बा। हाँ हम प्रत्याशी हैं उनमें। हाँ तो आपके यहाँ आए बाने वोट हमू भी चाहिए बेटी, एक पहले तो बहुत वोट देखने लोगों ने किया जी, एक बार हमके भी थोड़ा मौका दे के देखें, हमके भी अपन सेवा करे के मौका दें। हाँ ठीक बा, प्रत्याशी लोग तो आवते जात बाना लोग इसमें बाहर चल रहा है इसमें प्रधानी का, खैर कोनो बात ना है। और रहल बात कि वोट वोट का जरूर मिली वोट, और रहल बात हमारे थी अब जनता करी ना कि हमारा का शौक है, तो उधर तनिसा ले हुई ना, तनि वही तो व्यवस्था हो जाए तो कोनो दिक्कत ना हो। तो बाह चाचा बाह, मतलब आपको अपन मोल लगाई ले। अरे चाचा हम ऊ प्रधान ना हैं कि जवन पिएला और पियावेला, जवन खाला और खियावेला, भाई भाई से लड़ा के और राजनीत करेला, हमारे समझे ऊ ना होगा चाचा। हम ईमानदार सभी के प्रधान हैं, ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं, अगर जीतब तो जवन भी फंड आई सरकार के तरफ से वो 100% आप लोगों के ऊपर खर्चा कर जाए। लेकिन चाचा माफ़ करें, हमसे ये ना हो पाए कि हम आपके दारू पिया के और वोट ले लें आपसे, हम प्रधान बन जाए, ऐसा ना कर सकते हम चाचा भाई। ठीक बात देखा जाए, सोचा जाए। ठीक है आप बिल्कुल सोचें, और एक बार पुनः आपसे हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि अपने वोट का 100% ईमानदारी के साथ यूज करें, 5 दिन के चकाचौंध में अपन अगला 5 साल के मत भुला जाएं। ठीक है प्रणाम।
अरे नमस्ते प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार, और सब बताओ? और सब ठीक है, और आपन बताई? सब एकदम जीता थे चुनाव। अच्छा अच्छा, एकदम पलरा भारी बा एकदम। अच्छा तब कैसे? सब वोट खरीद ले ले हैं। खरीद ले ले हैं? पूरा गांव को? दारू चाचा के जानत ना हुआ, उनके घरे 30 गोट पेटी को पेटी भेजवा दे ले हैं। अच्छा, दारू चाचा का? अरे भाई काहे हसत हव, का बात है? अरे दारू चाचा को ओटवा गिन था ना, जैसे तू पेटिया पहुँचा ले वही तरह सब परतेसिये पहुँचा ले हम। इहो बात बा। अरे भाई तब तो ये बहुत ब्लैकमेल ही करत माना सा। हाँ यही तरह सबसे लेते हुआ सा। हाँ हाँ सब। अच्छा चला देखल जाए फिर। ठीक है प्रधान जी। हाँ तो देख सुन के। अरे प्रणाम चाचा। अरे प्रणाम चाचा प्रणाम। दारू चाचा, अरे हम दोनों प्रत्याशी हैं, और दरुआ तो आप हम दोनों जाने से ले हनी पेटिया, तो ओटवा के दे, तो जेके ओटवा देवे के हुई ओकर पेटिया रख लें, या जेकर ना देवे के होके ओके वापस कर दें। हाँ ठीक, सही कहला। हम बैठी सर। एक पेटी भाई, दो पेटी भैया, ये दो पेटी बा। अब जेके बुझात होके के हम ओट ना दे होके, वो अपन पेटी ले जाए, का करे? अरे दारू चाचा, ये गलत फहमी हो गई है हमको। हम तो हम बुझते हैं कि आप उठवा हमें कि दे के रखी, हम चलत थी। अरे चाचा बुरा ना मानी। अरे हम तो आ गए हैं, ये लोग कहना कि अरे दारू चाचा तो सब प्रत्याशी से पेटी लेत हमें, तो हम बहकाए में इन लोग आ गए हैं, लेकिन हमके पूर्ण विश्वास बा कि आप हमें के वोट दे। अरे चाचा बुरा मत मानी, हाई हम लेवे के कौले देने रहनी है आपके, तो चाचा हम अब चलत हैं, हम आई के वोट दे। प्रणाम चाचा, चली प्रणाम। नमस्ते दारू चाचा। नमस्ते नमस्ते, का सब ठीक है? तुम्हारी अब खेला जो ना सब देखा था, लेकिन एक बात हमरे समझ में ना आई कि माल तो तू सबसे खात हवा, लेकिन वो टवा के देव। देखा बैठा बैठा बता दें। अब तू तो जाना सो कि हम दारू सारा छोड़ दे लेंगे, पियत रहनी है लेकिन छोड़ दे ले बानी। कि हम तो ये परखत रहनी है ना लोग के कौन प्रत्याशी में ईमानदार बा और के खरीद फरोख्त वाला है। हो तो ये बात है, कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना। अब तो बुझ गई ना, वोट कहाँ जाए? न पियेंगे न पिलाएंगे। न पिलाएंगे। अच्छा अच्छा चल दे घर यार, हम समझ गए नहीं सर। ए बेटा, ए बाबू, हाय देखो ये दो पेटी बा, इके ले जा और कुल्ही का ढक्कन खोल खोल के नाली में भरवा दे। तो भैया, हमारा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप लोग तक हम ये संदेश पहुंचा सकें कि कोई भी इलेक्शन, चाहे पंचायती इलेक्शन हो, चाहे एमपी एमएलए का इलेक्शन हो, हमेशा हमेशा एक ईमानदार प्रत्याशियों का चुनाव करें। और सिर्फ प्रत्याशियों को ईमानदार ना चुने, खुद भी ईमानदार बने। जब आप खुद ईमानदार रहेंगे तो प्रत्याशी आप खुद ब खुद ईमानदार चुनेंगे। इलेक्शन का माहौल है, देखिए आज ये पेटियाँ को पेटियाँ लुटा रहे हैं। अगर इनसे 100 रुपये आप कर्ज मांगने जाएंगे तो इनके टेट से निकलेगा नहीं। तो ये जो पैसे आज ये लुटा रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ से उछलेंगे? क्यों लुटा रहे हैं, कहाँ से उछलेंगे? ये आपके हक का पैसा लुटेंगे पूरे 5 साल, आपका इतना कीमती मत। आज एक पेटी, एक दारू की सीसी देकर आपसे आप इतना बहुमूल्य वोट आपका ले रहे हैं, और बाद में 5 साल आपको आपका अधिकार लूट लेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप भी खुद ईमानदार बनिए और प्रत्याशियों को भी ईमानदार चुनिए। बस
मेरा यही कहना था, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस मैसेज को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। बस यही आप लोग से प्रार्थना है। धन्यवाद।